हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ये ब्यूटीफुल से जेंट्स सॉक्स, या पैरी भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बनाई है 7 से 8 नंबर के लिए। तो ये बनी है जेंट्स की पैरी, जो हम घर में पहनते हैं डेली वियर। जब हम सर्दियाँ पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो ये पहनी जाती है। तो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को कि ये कैसे बनती है। ये देखिए, मैंने वियर की है तो बहुत लूज है। तो ये है जो 7 और 8 नंबर शू जो पहनते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये कैसे बनती है आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये देखिए, बहुत इजी और बहुत प्यारा इसका डिजाइन है। बहुत इजी, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। ये शॉर्ट रोज़ में बनती है, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि शॉर्ट रोज़ में कैसे बनती है। देखिए, ये यहाँ एक तरफ से आप इसमें जितनी चौड़ी आपको चाहिए उतने फंदे आप इसमें रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें रखे 30 फंदे, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बननी स्टार्ट होती है। आप 30 फंदे रखिए, यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा बुनते हुए है जो। जब आप यहाँ पहुँच जाओगे, अपनी लंबाई यानी कि पंजे की लंबाई जब कंप्लीट हो जाएगी पंजे तक, यानी कि यहाँ से ले कर यहाँ तक, जब आपकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी, आप मेजर कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तब क्या करना है कि हमें शॉर्ट रोज़ बनानी शुरू कर देनी है। देखिए, शॉर्ट रोज़ ऐसे बनती है। ये देखिए, हम यहाँ से बुनते हुए यहाँ एक सिलाई पूरी की, फिर जो हमने हर सिलाई में यहाँ से लेके यहाँ तक अपने 10 घर छोड़ देने हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये 10 घर नहीं बुनने, यहीं से वापस मुड़ जाना, फिर नेक्स्ट सिलाई बुननी है, पूरी बुननी है, फिर एक सिलाई में फिर 10 घर छोड़ देने हैं। इस तरह से है जो मैंने ये कंप्लीट किए। देखिए, यहाँ 2 सिलाई हो जाती है, यहाँ 1 सिलाई, यहाँ 2, यहाँ 1 सिलाई, यहाँ 2, यहाँ 1 सिलाई। देखिए, ये दिख भी रहा है, जैसे कि आपको देखिए, जो ये जाली से राउंड जो ये पैटर्न बना है, जो जाली सी दिख रही है, यहीं से हम वापस मुड़ जाते हैं। तो है जो ये इस तरह से ये बन जाता है डिजाइन हमारे आगे पंजे का, क्योंकि बड़ा अच्छा है जो ये वाला, इसमें सर्कल बनता है, हाफ सर्कल बनता है इस तरह से। इसकी शेप है जो बहुत अच्छी आती है, और पाँव से ये बिल्कुल भी नहीं छूटती और बहुत सुंदर पहन के आती है। आप लेडीज जेंट्स दोनों के लिए इस तरह का शू बना सकते हैं घर पहनने के लिए। तो ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन के आता है। जितनी भी आपको यहाँ राउंड बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे मैंने 30 रोज़ बनाई है, यानी कि यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 15 रोज़ हमारी बनी है। देखो, ये 15 दिखेगी आपको इस तरह की रोज़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये 15 रोज़ आपको ये दिख रही है। तो ये है जो यहाँ से यहाँ तक 30 रोज़ दिख रही है। फिर बिल्कुल प्लेन बनाना है, जैसे सीधा सीधा बुनते हुए हम आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ तक। और यहाँ फिर दोनों को इस तरह से फोल्ड करके हमें घर बंद कर देने हैं। दोनों, जैसे हम शोल्डर कंधा बंद करते हैं स्वेटर्स का, उसी तरह से घर बंद कर देने। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ राउंड में पट्टी बनानी है, ताकि है जो ये लूज़ ना रहे। इधर से यहाँ से जितने आसानी से इसमें घर उठ जाए, तो मैंने 4 सिलाइयों का यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, और ये है जो हमारा पैरी बोल सकते, शूज़ बोल सकते, बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से जो बहुत ही इजी वे में ये हमारी पैरी बनके हो जाती है तैयार। तो मान, यदि आप लेडीज़ सॉक्स यानी कि 4-5 नंबर शू जो पहनती है लेडीज़, उसके लिए यदि आप ये बना रहे हैं इस तरह की पैरी, तो आप इसमें रखिए यहाँ से 25 फंदे, और इसकी लंबाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। फिर आप पंजा इसी तरह से है जो, जैसे इसमें 30 रो है, उसमें 25 रो आप कंप्लीट कीजिए, तो आपका जो हाफ सर्कल बन जाएगा और अच्छी सी शेप भी आ जाएगी। और ये बनाइए, और साथ में ये बॉर्डर बनाइए ऊपर से। फिर क्या होता है बॉर्डर बनाने से कि अच्छी सी इसमें लुक भी आ जाती है, और पाँव से ये छूटता भी नहीं है। अगर आप विदाउट बॉर्डर भी इसको बना सकते हैं, ये इकट्ठा ही एक साथ अगर आप बनाना चाहो इसके साथ ही, तो कई बार पाँव से है जो लूज बनता है वो, तो जल्दी है जो पाँव से निकल जाती है पैरी। तो इस तरह से आप बाद में बनाइए, तो बहुत सुंदर ये बन के आता है। तो इस तरह से आप भी बनाइए इस तरह की पैरी और पहनिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी ये पैरी बन के आती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।